तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम मुंह में घुल जाने वाली मोहन थाल बर्फी की रेसिपी, वो भी बिना मावा बिना कंडेंस मिल्क के बनाएंगे बहुत ही परफेक्ट टेस्ट के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं मोहन थाल बर्फी कैसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे बेसन ले लेंगे। बेसन को अच्छी तरह से पहले छान लेना है, जो भी इसमें मोटा होगा वो निकल जाएगा। तो बेसन मैं यहाँ पे 2 कप ले रही हूँ, आप कोई भी एक नाप का बना लीजिएगा, कप ग्लास जो भी बनाते हैं तो उससे आप नाप करके बना सकते हैं। यहाँ पे परफेक्ट रेसिपी के साथ में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा, आपकी मोहन थाल बर्फी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो मैंने यहाँ पे छान लिया है, चलते हैं गैस के पास में। मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है, सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून के करीब दूध डाल देंगे। दूध को हमें एकदम उबालना नहीं फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो टू मीडियम रखा हुआ है। अब इसके बाद में इसमें घी ऐड कर देंगे, घी की क्वांटिटी 3 टेबल स्पून रखा है मैंने यहाँ पे। अभी गाढ़ा घी ऐड करेंगे, इसमें लिक्विड फॉर्म में हमें ऐड नहीं करना है। बस ये गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिश्रण को मिला देना है। जब ये मिश्रण अच्छे से मिलाकर हो जाए तो उसके बाद में गर्मा गर्म यहाँ पे जो घी दूध का मिश्रण है इसको हम डाल देंगे बेसन में। इस तरह से डालने से एक्चुअली होता क्या है कि जो मोहन थाल बर्फी जो बनती है एकदम दानेदार रहती है। चलिए इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं, इसे हमें खूब ज़्यादा रगड़ना नहीं। चलिए मैं दिखाती हूँ कि इसको हमें किस तरह से मिलाना है। इस तरह से हाथों पे पहले तो इसे मिक्स कर लें, उसके बाद में दोनों हथेलियों के बीच में रख के हल्के हाथों से हमें इस तरह से मैच करते रहना है। देखिएगा इसे खूब दबा के हुए हमें नहीं रगड़ना है, बस हल्के हाथों से जिस तरह से मैं रगड़ रही हूँ बस ऐसे ही करना है। और ये बेसन जो है बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, तो इससे हमारी जो बर्फी है एकदम दानेदार बनेगी। तो ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ गुजरात में ट्रेडिशनली बनाते हैं और इसे मोहन थाल में मोइन लगाना कहते हैं। तो बेसन जो है हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और अब क्या करना है, हल्के हाथों से इसे दबा देंगे इस तरह से और करीब 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो मैंने इसे दबा दिया है, अब इसे हम थोड़ा सा ढाँक देंगे। तो मैं यहाँ पे इसे 10 मिनट रेस्ट करने रख दे रही हूँ। 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं फ्रेंड, अब हमें करना क्या है, एक ग्राइंडिंग जार लेना है और ये बेसन को दानेदार बनाने के लिए हम इसे ग्राइंड करेंगे। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा छन्नी से भी छान सकते हैं, बट छन्नी से छानने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं फ्रेंड्स कि आप ग्राइंडिंग जार में ही ग्राइंड करें, आप छन्नी से छान सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्राइंड कर लेती हूँ और इसे हमें थोड़ा सा घुमाना है, फिर रुकना है, फिर थोड़ा घुमाना है, फिर रुकना है, नहीं तो एकदम से आप लगातार चलाते रहेंगे तो क्या होगा ना कि जमने लग जाएगा। तो यहाँ पे जो बेसन है दानेदार बनके तैयार हो गया, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे गैस के ऊपर कढ़ाई रख दिया है और गैस को ऑन कर देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे यहाँ पे गैस को। और सबसे पहले तो यहाँ पे घी ऐड करेंगे, 3/4 कप आप देख सकते हैं घी लिया है मैंने, यानी कि मान के चलिए जैसे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा और 1 कप से थोड़ा कम। तो ये पूरा घी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब घी को होने देंगे मेल्ट यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए और थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे धीरे धीरे करके हमें बेसन डालना है, एकदम से पूरा ना डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसे चम्मच को चलाते रहना है, नहीं तो क्या है कि गड़े गड़े से बन जाएंगे। तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है इस तरह से और लो टू फ्लेम पे ही रखना है गैस को। अगर हाई फ्लेम पे कर देंगे तो क्या होगा ना कि जलने लग जाएगा, फिर सारा टेस्ट आपका ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे सारा बेसन को डाल देंगे, देखिए मैंने पूरा डाल दिया यहाँ पर। और अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें बिल्कुल भी घी नहीं है, जब क्योंकि घी पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है देखिए, उसके बाद में रिलीज होने लगेगा पूरी तरह से। तो अभी आपको बहुत ही ज़्यादा ड्राई लग रहा होगा, तो ये सोच के मत यहाँ पे घी डालने लग जाइएगा, घी बहुत ही परफेक्ट क्वांटिटी में हुआ है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पे चम्मच को चलाते रहेंगे तो जब ये बेसन भुनने लग जाएगा तो घी छोड़ने लग जाएगा फिर ये, है ना। तो इसी तरह से भुनेंगे इसको, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना कीजिए गैस को, लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए हम यहाँ पे भुनेंगे और इसका जब तक गोल्डन कलर ना हो जाए तब तक हम इसे अच्छे से भुनेंगे। इस तरह से हमें गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए भुनना है और आप देखेंगे ये धीरे धीरे करके थोड़ा सा इसमें गीला सा होने लगेगा, घी जो है रिलीज होने लगेगा, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, पेस्ट की तरह दिखने लगेगा। अभी ये बहुत कच्चा है, इसमें जब हल्की खुशबू आने लग जाए और इसका कलर गोल्डन कलर हो जाए तब आप समझ जाइएगा कि बेसन जो है अच्छे से भून चुका है। अगर आप बेसन को अच्छे से नहीं भूनेंगे ना तो कोई भी मिठाइयाँ जैसे बनाते हैं बेसन की तो वो कच्चा कच्चा सा उसमें फ्लेवर आएगा, तो वो फ्लेवर नहीं आना चाहिए। तो अब आप देखेंगे इसमें बबल्स आने लगे हैं, तो इस समय पे यहाँ पे 1/2 कप दूध ऐड करेंगे, 1/2 कप दूध बहुत ही परफेक्ट होता है फ्रेंड्स। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पे दूध को डाल रहे हैं तो बेसन एकदम से फूल रहा है, तो यही देगा अपनी मोहन थाल बर्फी को
दानेदार टेक्सचर। तो वैसे तो ट्रेडिशनली इसमें मावा मिलाया जाता है, तो आप इस समय पे चाहें तो मावा भी ऐड कर सकते हैं दूध की जगह पे, या फिर इसमें मलाई ऐड कर सकते हैं। बट दूध डालने से बहुत ही एकदम सॉफ्टनेस आ जाएगी मिठाई में, बहुत ज़बरदस्त मोहनथाल बर्फी बन के तैयार होगी फ्रेंड्स। तो आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे 1 लीटर 2 लीटर दूध की मलाई डाल सकते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे ड्राई होने लगा है बहुत ही बढ़िया सा एकदम, ये देख सकते हैं आप। और इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है कि हमारी जो मोहनथाल बर्फी जो बनने जा रही है एकदम परफेक्ट बनेगी। आप इस बर्फी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो कहीं पे भी थोड़ा अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए 1 कप मैंने चीनी डाला है। अब पानी कितना डालना है हमें यहाँ पे, 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि जैसे हम चीनी डाले हैं ना, तो चीनी जो है हल्की सी डूब जाना चाहिए, बस इतना ही पानी डालना है हमें, खूब ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। अगर खूब ज़्यादा डाल देंगे तो चाशनी जो है ज़्यादा बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने चीनी में पानी ऐड कर दिया है और चम्मच को चला देते हैं। फ्लेवर के लिए यहाँ पे आप चाहें तो इलायची का पाउडर या फिर तो केवड़ा एसन डाल सकते हैं, रोज़ एसन डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर यूज़ कर रही हूँ और इसमें थोड़ा सा कलर देने के लिए फूड कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर जो केसर के धागे होते हैं 4 से 5 डाल सकते हैं इसमें, बट इसमें बहुत ही बढ़िया सा लुक आ जाएगा इस तरह से डालने से। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स। वैसे भी हमारी जो मोहनथाल बर्फी है वैसे में ही बहुत अच्छा कलर और टेक्सचर आया है। तो ये देखिएगा यहाँ पे बहुत बढ़िया सा कलर हो गया है। चाशनी हमें एक तार की बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। तो सबसे पहले जिसमें हमें बर्फी जमाना है उस प्लेट को क्या करें, घी को हल्का सा इस तरह से ग्रीस कर लें, तो उससे क्या होगा कि बर्फी जो है ना चिपकेगी नहीं। तो देखिए यहाँ पे 1 तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है, बस हो गया। इस समय पे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। खूब ज़्यादा हमें तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, 1 तार में बहुत अच्छे से बर्फ़ी बनके तैयार होगी। अगर ज़्यादा तार वाली बनाएंगे तो बर्फ़ी जो कड़ी बन जाएगी। तो इस तरह से चाशनी को डाल दें, गैस को मैंने ऑन कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर रखते हुए यहाँ पर चाशनी डालेंगे। तो चाशनी मैंने यहाँ पर पूरी डाल दी है फ्रेंड्स। तो थोड़ी थोड़ी करके डालिएगा, अगर खूब ज़्यादा हो जाए चाशनी तो उसको रख दीजिए, है ना। इस तरह से मिला दें और इसे हमें तब तक मिलाना है जब तक कि इसमें हल्का सा घी जो है छूटने ना लग जाए, तब तक, और कढ़ाई छोड़ने ना लग जाए तब तक हम इसे मिलाएंगे। खूब ज़्यादा हमें गीला नहीं रखना है, ऐसा रखना है कि बर्फ़ी जमने की पोजीशन में आ जाए, है ना। तब तक हम इसे चलाएंगे। देखिए कढ़ाई जो है पूरी तरह से छोड़ने लग गया है, इसका मतलब कि जो हमारी बर्फ़ी है जमने के लिए परफेक्ट तैयार हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पर मैंने बटर पेपर भी रख लिया है, बटर पेपर ज़रूरी नहीं है बट मेरे पास था इसलिए मैंने डाल दिया है। और बटर पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा दीजिएगा इस तरह से, अब यहाँ पे डाल देंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पे हमारा जो मोहनथाल है बहुत ही परफेक्ट कलर आया है, टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त आया है, बहुत दानेदार बनने वाली हमारी जो मोहनथाल बर्फी है, बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड। जब आप इसे खाएंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी ज़्यादा टेस्टी है, एकदम मुँह में घुल जाने वाली बर्फी है। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इस तरह की बर्फी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी मोहनथाल बर्फी जो है जमने के लिए तैयार है। तो इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहे तो रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं या फिर इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 घंटे हो चुके हैं फ्रेंड्स और मैंने इसे निकाल लिया है। देखिए बहुत अच्छी तरह से जम चुकी है और मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसका जो बटर पेपर है इसको मैं अलग कर देती हूँ। चलिए इसे कट कर लेते हैं। बहुत ही बेस्ट कलर आया है और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो चलिए इसे कट कर लेंगे। आप कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। ये जो मोहनथाल बर्फी है जितने देखने में अच्छी लग रही है उतनी खाने में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनी है और एकदम दानेदार हमारी यहाँ पे मोहनथाल बर्फी बनके तैयार है। चलिए इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं क्योंकि इतनी मेहनत की है फ्रेंड। तो थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं हल्का सा। तो आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं, अगर आपके पास पिस्ता रखे हैं तो पिस्ता से भी डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि खाना तो अपने को ही घर में, तो जितना हो सके उतने आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़े से पतले पीसों में काजू कट किया है और बादाम कट किया है, तो थोड़े से इस तरह से मैं लगा देती हूँ ताकि लुक अच्छा आ जाए और एकदम से मार्केट स्टाइल में दिखने लग जाए। तो आप चाहे तो इसमें चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं जिससे कि बिल्कुल मार्केट जैसी लगने लगेगी। कोई समझ ही नहीं पाएगा कि ये घर में बनी है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आया है, एकदम दानेदार बर्फी यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी है फ्रेंड। तो इस दिवाली पे आप इस मोहनथाल बर्फी को ज़रूर ट्राई करें, परफेक्ट रेसो के साथ में बहुत ही परफेक्ट बनेगी, आपसे बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। तो ये लीजिएगा यहाँ पे हमारी जो मोहनथाल बर्फी है बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन रहेगी, अगर आपको ये वाला वीडियो देखना है तो राइट क्लिक करें, अगर वो वाला देखना है तो लेफ्ट क्लिक करिएगा।
तो फ्रेंड्स बहुत ही जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में वापस आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।